हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नया आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल के अकाउंट को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डाल रहे हैं उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, नेपाल इस्तेमा में आने वाले लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कहाँ से और कितनी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अभी जो है तो 15, 16, 17 तारीख को जो नेपाल के अंदर इस्तेमाल शुरू हो चुका है उसका हम आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जुमा के दिन से नमाज जुमा के बाद से जो है तो ये इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन तारीख जो बताई जा रही थी 15, 16, 17 ये तारीखें बताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जुमा की नमाज के बाद वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद जमा हो चुके हैं और वहाँ पर जो है तो इस्तेमाल की तैयारियाँ पूर्व जोर से शुरू हो चुकी है। अब बात करेंगे दोस्तों इस्तेमा के अंदर जो है तो कहां कहां से लोग आ रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा तादाद में जो है तो पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से वहां पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा तादाद में बांग्लादेशी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस तरह से वहाँ पर दावत तबलीग का काम अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, जिस तरह आपको बता दूं कि नेपाल कुछ दिनों पहले जो है तो एक जमहूरी मुल्क बना है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में अब लोग पहुँच कर वहाँ पर अपने धर्म का पालन पोषण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर उसने सेकुलरिज्म को अपनाया है और अब वहाँ पर जो है तो पहले से अच्छी तादाद में लोग अपने धर्म के अच्छे तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे इस इस्तेमा के बारे में। इस्तेमा के अंदर जो है तो जो नेपाल से लगकर जो हिंदुस्तान की बॉर्डर की एरियाज़ है वहाँ पर से बहुत सारे लोग जो है तो इस्तेमा में अटेंड हो रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, नेपाल के अंदर बहुत बड़ी अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की है, वो इस इस्तेमा के अंदर पहुंचकर जो है तो इस इस्तेमा को कामयाब बनाने की दुआएं भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग ये छोटा सा इस्तेमा की तैयारी शुरू थी, लेकिन देखते ही देखते एक स्टेट का और एक स्टेट से लेकर ये एक आलमी इस्तेमा का रुख अख्तियार कर लिया है। अब तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए, अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 लाख के करीब करीब यहाँ पर बंदगाने तौहीद पहुंचकर अपनी इबादत के अंदर मसरूफ हो चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे उलमा इकराम के बयानात हुए, लेकिन यहाँ पर जो पेश बयानात रहे हम उसके बारे में हमको कल पूरी डिटेल बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए।